नमस्कार दोस्तों, जीएल मास्टर यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। दोस्तों, कल जो दिन का पहला T10 है वो मैच में कवर करने के लिए आया हूँ, वो है जेन वर्सेस BEV के बीच में ये मैच होने वाला है। तो इधर से देखिए, जेन GEN जो टीम है ज़्यादा स्ट्रांग लग रहा है मेरे को BEV के तुलना में, तो इसलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा GEN के टीम की प्रेफर करते हुए मैं ज़्यादा से ज़्यादा GL टीम और स्मॉल लीग टीम बनाने की कोशिश करूँगा। तो आप लोगों को GL टीम चाहिए तो आप लोग जो मेरे चैनल पर नए हो उसके लिए मैं बताना चाहता हूँ, आप लोग मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन हो जाइएगा, जो जीएल मास्टर टेलीग्राम चैनल वो आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा। जो आप लोग वीडियो देख रहे हो, वीडियो को टाइटल को क्लिक कीजिए और टाइटल को क्लिक करने के बाद थोड़ा सा नीचे आकर देखिएगा, डिस्क्रिप्शन पे ब्लू कलर की लिंक है, वो दोनों लिंक है, दोनों लिंक में आप लोग क्लिक करके ज्वाइन हो जाइएगा। ठीक है दोस्तों, एक चैनल है और एक ग्रुप है, दोनों ही आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा। उधर ही मैं आफ्टर टॉस जीएल टीम प्रोवाइड कर देता हूँ और कोई इंफॉर्मेशन अगर मिलेगा तो मैं उधर ही दे देता हूँ, और कोई नया प्लेयर खेल रहा है तो उसका भी स्टैट्स में मेरे पॉसिबल होता है तो मैं उसको निकल कर मैं चैनल पर दे देता हूँ। तो इसलिए आप लोगों को जरूर जुड़े रहना चाहिए, और जो मैच मैं कवर कर रहा हूँ ये मैच अच्छा जा सकता है, इसलिए मैं मैच कवर कर रहा हूँ। आज का जो मैच था वो भी शानदार गया था हम लोगों के लिए, जो कैप्टन वाइस कैप्टन में दिया था वो वर्क कर गया, तो इसलिए थोड़ा सा एक दो प्लेयर अगर इधर उधर होता था हम लोगों को GL अच्छा रैंक आ जाता। तो आप लोग जुड़े रहिएगा, मेरा वीडियो का आप लोग पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, बहुत इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। और टीम कॉम्बिनेशन टीम 11 पर जाकर मैं बनाने वाला हूँ, और कैप्टन वाइस कैप्टन के 2 से 4 प्लेयर है जो कैप्टन वाइस कैप्टन का अच्छा चॉइस है, उसको आप लोग घुमा फिरा के अगर अगर कोई ज़्यादा से ज़्यादा GL टीम से खेल रहे हो तो इसलिए आप लोगों को बताना चाहता हूँ, आप लोग 2 से 4 जो प्लेयर का नाम मैं बताऊँगा उसका आप लोग घुमा फिरा के रिवर्स करके आप लोग कैप्टन वाइस कैप्टन करके जो कॉन्टेस्ट है वो ज्वाइन कर सकते हो। और जो BEV के टीम का जो है उसका मैं 2 से 3 प्लेयर का नाम बताऊँ, उसको 1-2 करके रोटेट करके आप लोग सेम कैप्टन वाइस कैप्टन रखकर वो भी GL खेल सकते हो तो अच्छा रैंक आ सकता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों 1-2 करके स्कोर कर पहले देख लेते हैं, उसके बाद मैं ड्रीम 11 पर क्या टीम कॉम्बिनेशन होना है वाला है वो मैं दिखा दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, इधर से ICCB के साथ GEN का जो मैच था, पहले ICCB पहले बैटिंग किया था, GEN का जो बैटिंग परफॉर्मेंस देख सॉरी बॉलिंग परफॉर्मेंस देख लीजिए। इस दिन में रियान फयाज को मैं पिक किया था, 30% सिलेक्शन था, और इसका कैप्टन भी मैं किया था ज़्यादा से ज़्यादा टीम में। आप लोग अगर मेरे टीम से खेले हो तो आप लोग को जरूर याद रहेगा। देखिए 4 विकेट लिया था उस दिन, ठीक है दोस्तों। उसके बाद और मैच में नहीं खेला था, मेरे को टाइम नहीं था, इसलिए नहीं तो मैं और भी ज़्यादा टीम देने वाला था, अच्छा भी रैंक भी आ सकता है, क्योंकि ये 2 से 3 के मैच के बाद वो भी फिर से 5 विकेट लिया था, तो इसलिए हम लोगों को ये इंपॉर्टेंट होने वाला है और ये ओपन भी करेगा। उसके बाद देखिए वालिद अजहर देखिए 1 विकेट लिया था, सीआर मलिक खेल देखिए 1 विकेट, और सैफ रहमान देखिए 1/10 ओवर पर बॉलिंग 1 ओवर करेगा, और 6 से 7 नंबर जो है 1 ओवर होता है वो ओवर ये डालने के लिए आएगा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर कोई थोड़ा सा रिस्क लेने वाला हो तो आप लोग इसको भी एक टीम में जरूर कैप्टन वाइस कैप्टन देख के चलिएगा। अगर पहले बॉलिंग करेगा तो सेकेंड बॉलिंग भी आगे अगर आएगा तो वो भी उसके भी आप लोग उस टीम में भी आप लोग जरूर एक टीम में कैप्टन वाइस कैप्टन देकर चलिएगा। उसके बाद देखिए मोहम्मदुल्ला रहमत जाए देखिए 1 ओवर में 1 विकेट, और जबीर सैयद अगर खेलेगा तो ये भी 1-2 ओवर अगर करेगा तो 1/10 ओवर में भी 1 ओवर डाला था एक मैच में, तो इसलिए इसको भी आप लोग नज़र पर रखिएगा। तो ये था बॉलिंग एक्शन, और इसके बाद देखिए 92 रन बनाया था, 9 विकेट खोकर देखिए जब चेस करने के लिए उतर देखिए इसी मैच जीत लिया था। देखिए रेहान फयाज देखिए ओपन कर रहा था, बैटिंग से अभी भी उतना परफॉर्मेंस निकल कर नहीं आया, लेकिन बॉलिंग से शानदार परफॉर्मेंस करके दे रहा है। फैजल खलीक देखिए ये भी बहुत शानदार प्लेयर है, पहले मैच में 1-2 ओवर बॉलिंग नहीं एक दो मैच में बॉलिंग नहीं किया था, लेकिन ये कंटिन्यूसली बॉलिंग भी कर रहा है, तो ये भी एक कैप्टन का अच्छा और शानदार चॉइस होने वाला है, क्योंकि रेहान फयाज का जो सिलेक्शन पर्सन बढ़ गया है और कैप्टन वाइस कैप्टन का जो सिलेक्शन वो भी बढ़ गया है, लेकिन इसके ऊपर थोड़ा सा हम लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा, मतलब ध्यान देना पड़ेगा, इसको भी आप लोग जरूर कैप्टन वाइस कैप्टन देके चलिएगा। तो एक टीम में क्या करोगे, इसको कैप्टन और इसको बीसी देके चलिएगा, और एक टीम में इसको कैप्टन और इसको बीसी देके चलिएगा, ऐसे करके आप लोग टीम कॉम्बिनेशन बनाइएगा तो बेहतर होने वाला है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद देखिए उमेद मलिक खेल जो विकेट कीपिंग सेक्शन में विकेट कीपिंग कर रहा है। उसके बाद देखिए माजिद अली को हम लोग पिक करके चलेंगे, क्योंकि ये 2 ओवर कंफर्म बॉलिंग डालता है, कभी कभी 1 ओवर भी डालता है, तो देख लीजिएगा बॉलिंग ऑप्शन अगर ज़्यादा होता है तो इसका बॉलिंग नहीं भी आ सकता है, इसको हम लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा। उसके बाद देखिए सीआर मलिक खेल ये भी कभी कभी बॉलिंग में डाल लेता है। उसके बाद वालिद आजाद देखिए ये 2 ओवर कंफर्म बॉलिंग डालेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये इजीली मैच जीत चुका था, और एक मैच में स्कोर कार्ड में दिखा देता हूँ मैच का।
इधर से देखिए फिर से जेएन का टीम पहले बॉलिंग किया था। देखिए बॉलिंग सेक्शन में क्या हुआ था, इधर देखिए साहिब रहमान देखिए 2 विकेट लिया था, जो मैं बोला था 6 से 7 नंबर जो ओवर होता है वो डालेगा, और 9 नंबर ओवर जो होता है और नहीं तो 10 नंबर ओवर भी ये डाल सकता है। ठीक है दोस्तों, एक स्पिनर है, बहुत शानदार प्लेयर है। और देखिए वालिद अजहर 2 ओवर डाला था, कोई विकेट नहीं, और सजाद अहमद जय 1 विकेट, रियान फयाज को सिर्फ 1 विकेट मिला था लेकिन 2 ओवर में सिर्फ 9 रन दिया था। उसके बाद देखिए मोहम्मद अहमद जय 1 ओवर 11 रन 1 विकेट, पिटाई पड़ा था इसके लिए इसको ओवर नहीं डाला दिया था। जाबिर शायद देखिए 1 ओवर 20 रन 1 विकेट, तो ये हर मैच में 1 ओवर 2 ओवर डाल रहा है और विकेट भी ले रहा है और इसका रिकॉर्ड भी शानदार है। तो इसलिए ये अगर खेलेगा तो आप लोगों को जरूर पिक कर लेना चाहिए, कभी भी ये 2 ओवर डाल सकता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद देखिए जब चेजिंग करने के लिए उतरा, देखिए 1 विकेट से ही ये मैच जीत चुका था। देखिए 1 विकेट को का देखिए रियान फयाज देखिए 28 रन बना था 12 बॉल में, और इसके बाद फैसल खलीक देखिए 37 रन, और उसके बाद अमित मलिक खेल देखिए 23 रन। तो इजीली ये मैच चेस कर लिया था, देखिए 5 ओवर खत्म होते ही ना होते ही ये मैच जीत चुका था। ठीक है दोस्तों, इसलिए मैं जेन का टीम को मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रेफर करने वाला हूँ, तो आप लोग भी करिएगा तो ज़्यादा बेहतर होने वाला है। इसके बाद में बीईबी के टीम का जो स्कोर कार्ड है वो एक दो स्कोर कार्ड में देख लेता हूँ, उसके बाद डायरेक्ट मैं टीम इलेवन पर टीम कॉम्बिनेशन में जाऊँगा। तो आप लोगों का अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट में बता दीजिए कैसा लग रहा है। आप लोग सारे के सारे मेम्बर्स वीडियो नहीं देख रहे हो और जो लाइक भी नहीं कर रहे हो, कमेंट भी नहीं कर रहे, तो इसलिए मैं बताना चाहता हूँ, प्लीज़ मेरा चैनल को आप लोग जो नए हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो मेरे चैनल पर पुराना है उसको भी मैं बताना चाहता हूँ, आप लोग प्लीज़ लाइक कर देना और कमेंट करके बता देना कैसा लग रहा है, और आप लोगों के दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। ठीक है दोस्तों, और चलिए देख लेते हैं बीबी के टीम का जो है उसका स्कोर कार्ड। देखिए दोस्तों, बीसीसी और बीईबी एक ही टीम है। देखिए बीसीसी पहले बॉलिंग किया था, बॉलिंग सेक्शन में देख लीजिए, इधर से एक मैच में सौरकुल्ला सिरजत पावर प्ले में बॉलिंग करता है, 2 ओवर पावर प्ले में डाल देता है। अगर सौरकुल्ला सिरजत को आप लोग ले रहे हो तो आप लोगों को एक ओपनर को ड्रॉप करना पड़ेगा, लेकिन जेन का टीम का जो 2 ओपनर है वो दोनों ओपनर 2 ओवर बॉलिंग भी कर रहा है, तो इसलिए ड्रॉप करने का मतलब नहीं है। तो अगर इसको ले रहे हो तो देख लेना। ठीक है दोस्तों, तो उसके बाद जबर खेल देखिए 2 ओवर डाला था हाकिम खसकर, देखिए ये शानदार प्लेयर है इस टीम का, ये शानदार और इंपॉर्टेंट प्लेयर है, 2 ओवर बॉलिंग भी करेगा और उसके साथ साथ ओपनिंग भी आ रहा है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हिकमत जबर खेल देखिए 1 ओवर डाला था, लेकिन ये कभी कभी 2 ओवर भी डाल लेता, इस मैच में इसको पिटाई पड़ गया था इसलिए इसको और ओवर नहीं दिया गया था। उसके बाद कादरी हारून देखिए 1 ओवर 28 रन कोई गुण नहीं, और शहीदुल्ला उदमन जय देखिए 2 ओवर 16 रन 1 विकेट। ठीक है दोस्तों, और ये जो प्लेयर है ये मिडिल ओवर बैटिंग करने के लिए आएगा और ज़्यादा से ज़्यादा डेथ ओवर पे बॉलिंग कर लेता है। ठीक है दोस्तों, तो ये भी अगर पहले बॉलिंग कर रहा है इसका टीम, तो ये भी इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद देखिए जब चेस करने के लिए उतरा, देखिए अब्दुल रशीद जो विकेट कीपिंग सेक्शन में इस टीम का ये शानदार प्लेयर है, बहुत हार्ड हिटर प्लेयर है, इसको आप लोग जरूर पिक करके चलिएगा। उसके बाद देखिए हकीम खासकर जो 2 ओवर कन्फर्म बॉलिंग डाल रहा है, इसको भी आप लोग 1-2 टीम में जरूर कैप्टन वाइस कैप्टन करके चलिएगा, क्योंकि इसका कैप्टन वाइस कैप्टन का चॉइस जो है थोड़ा सा कम रहेगा, तो ये अगर खेल जाएगा शानदार तो इसको अगर ये कैप्टन का रोल अगर अदा कर देगा तो ये हम लोगों का टीम को ज़्यादा से फायदा देने वाला है। जसबीर जकील देखिए 5 रन, मंसूर महमूद देखिए 5 रन, और कोई उतना अच्छा रन नहीं बना पाया था। ठीक है, तो देखिए 109 रन बना पाया था, 10 ओवर में एक मैच हार चुका था। और एक स्कोर कार्ड देख लेते हैं, देखिए और एक स्कोर कार्ड बीसीसी ने 159 रन बनाया था। ठीक है दोस्तों, देखिए तो ये भी शानदार प्लेयर है, तो अगर ये पहले बैटिंग कर रहा है तो आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अब्दुल रशीद को और सबिर जकील को आप लोग जरूर पिक करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, लेकिन 159 रन जो बनाया था ये टीम किसके साथ देखिए, देखिए इधर से आरबी के टीम के तरफ से, तो ये थोड़ा सा वीक टीम था इसलिए ये टीम ज़्यादा रन बना पाया था। अगर ये जेन जो टीम है ये बहुत शानदार टीम है और स्ट्रॉन्ग टीम है, इतना ज़्यादा रन बनाना बहुत इम्पॉसिबल है, तो इसलिए अगर एक टीम अगर आप लोगों को रिस्क लेना है तो एक टीम में बीसीसी को भी आप लोग प्रेफर करते हुए टीम बना लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद देखिए और जब बॉलिंग सेक्शन में देख लीजिए, जब बॉलिंग करने के लिए आया था जो सर्कुलर सिरजत कि 1 ओवर ही डाला था, 11 रन पिटाई पड़ गया था इसलिए इसको ओवर नहीं डाला था। जबर खेल को ये भी पिटाई पड़ गया था इसलिए इसको भी ओवर नहीं डाला दिया था। सलाराइजा इसराइल देखिए 2 ओवर 5 रन कोई विकेट नहीं मिला। हकीम खसकर को 2 विकेट, हिकामत जबर खेल देखिए 2 ओवर 3-4 रन देकर 3 विकेट लिया था। ठीक है दोस्तों, बहुत शानदार प्लेयर है। शहीदुल्ला उदमन जय देखिए 1
विकेट लिया था। ठीक है दोस्तों, तो ये था दोनों टीमों का स्कोर कार्ड। आप लोग देख चुके हो कौन सा प्लेयर कितने नंबर पर बैटिंग करने के लिए आ रहा है, कौन सा प्लेयर दो ओवर कन्फर्म बॉलिंग डाल रहा है या डेथ ओवर पे कौन कर रहा है, सभी को मैं बोल दिया हूँ। तो आप लोग नज़र पर रखिएगा और उम्मीद है आप लोगों को हेल्प मिल रहा है। ठीक है दोस्तों, और चलिए अभी ड्रीम इलेवन पर जाकर टीम कॉम्बिनेशन क्या होने वाला है वो देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, इधर से मैं एक टीम बना के रखा हूँ, इस टीम को ही मैं एक दो प्लेयर चेंज करके 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 मैं दिखा दूंगा कैसा टीम आप लोगों को कॉम्बिनेशन बनाना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखिए, इधर से मैं जो विकेट कीपिंग सेक्शन में दो इंपॉर्टेंट प्लेयर है, वो मलिक खेल और ए रशीद। अगर आप लोगों को थोड़ा सा रिस्क लेना है तो इसके ऊपर आप लोग ले सकते हो, लेकिन ज़्यादा रिस्क हो जाएगा क्योंकि ये फास्ट डाउन पर बैटिंग करने के लिए आएगा। और ए रशीद जो है इस टीम का बी टीम का ये ओपनिंग में आएगा और उसके साथ साथ यही कर ओपनिंग करेगा। ठीक है दोस्तों, ये दो ओवर कंफर्म बॉलिंग भी डालेगा और ये बहुत शानदार प्लेयर है, हार्ड हिटर प्लेयर है, तो इसको भी हम लोग लेके चलेंगे। और ये ओ मलिक खेल जो विकेट कीपिंग करेगा और फास्ट डाउन पर बैटिंग भी आएगा, तो इसलिए मैं इसको लेके चल रहा हूँ। उसके बाद देखिए फैजल खलीक जो है ये ओपनिंग में आएगा और उसके साथ साथ जो ओपनिंग में आएगा आर फयाज, दोनों ही दो ओवर कन्फर्म बॉलिंग डाल रहा है, तो ये स्पिनर है, बहुत शानदार प्लेयर है। इसके बैट से अभी भी उतना अच्छा रन निकल कर नहीं आया है, एक मैच में 28 रन बनाया था, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा मैच में ये बैटिंग से फ्लॉप रहा था, लेकिन विकेट से बॉलिंग से ज़्यादा हम लोगों को पॉइंट दे रहा है। जब भी विकेट ले रहा है तो 2 से 5 विकेट ले रहा है, कभी भी 4 विकेट, कभी भी 5 विकेट, कभी भी 2 विकेट, तो इसलिए इसको आप लोग जरूर कैप्टन बना के चलेगा अगर कोई स्मॉल लीग खेल रहे हो तो। उसके साथ साथ अगर आप लोग वाइस कैप्टन चूज़ करना चाहते हो तो आप लोग एज खासकर को आप लोग जरूर पिक करके चलिएगा, मतलब वी सी करके चलिएगा अगर कोई स्मॉल लीग मतलब हेड टू हेड खेल रहे हो तो। अगर आप लोग जेल खेल रहे हो तो इसलिए आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा टीम को आप लोग घुमा फिरा कर कैप्टन वाइस कैप्टन करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, उसके बाद देखिए एस ओसमान जय को मैं बैटिंग सेक्शन से लिया हूँ, ये थोड़ा सा रन भी बना सकता है, उसके साथ साथ ये डेथ ओवर पर बॉलिंग भी करेगा। उसके बाद एच जबरकेल शानदार बॉलिंग कर रहा है और ये थोड़ा सा नीचे बैटिंग करने के लिए आएगा, तो देखा जाएगा ये जो दोनों प्लेयर है इसके ऊपर मैं थोड़ा सा रिस्क लेकर एक दो प्लेयर रोटेट करके मैं टीम बना के दिखा दूंगा। ठीक है, थोड़ी देर बाद। उसके बाद देखिए बैटिंग बॉलिंग से ऑलराउंडर से मैं तो बता दिया हूँ ये दोनों का रोल। उसके बाद डब्लू आजाद देखिए दो ओवर कन्फर्म बॉलिंग डालेगा। उसके बाद देखिए जे जबरखेल को मैं पिक करके चल रहा हूँ और कोई ऑप्शन नहीं है। उसके बाद देखिए एम अली को मैं लेके चल रहा हूँ क्योंकि एम अली क्योंकि मैं इसको ले आऊँ सेकंड राउंड पर बैटिंग करने के लिए आता है और एक दो ओवर बॉलिंग भी डाल लेता है। ठीक है दोस्तों, और एस रहमान को तो मैं बता दिया हूँ ये डेथ ओवर पर बॉलिंग करते हैं, 6 नंबर और 7 नंबर जो ओवर होता है वो, और उसके साथ साथ 9 से 10 नंबर जो ओवर होता है उसका। ठीक है, तो इसलिए इसको भी हम लोग कैप्टन वाइस कैप्टन एक टीम में जरूर पिक करके चलिएगा। ठीक है, तो ये था एक टीम, इसको मैं VC देके चल रहा हूँ और इसको मैं एफ कलिक को मैं कैप्टन देके चल रहा हूँ। अगर पहले बॉलिंग करता है तो मैं ये करूँगा, अगर सेकंड इनिंग्स में बॉलिंग करता है तो मैं इसको कैप्टन और इसको VC देके चलूँगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये टीम अगर ज़्यादा से ज़्यादा रन बना देगा तो स्पिनर पे अटैक करेगा, तो स्पिनर को ज़्यादा से ज़्यादा विकेट मिलने का चांस है। अभी स्पिनर को पिच में काम हो रहा है स्पिनर को, ठीक है, तो स्पिनर को स्पिन मिल रहा है, तो इसलिए स्पिनर ज़्यादा से ज़्यादा विकेट ले रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ये था एक टीम कॉम्बिनेशन, इसको आप लोग सेव करके रख सकते हो। और अगर कोई नया प्लेयर खेलता है तो हम लोग देख लेंगे उसको, अगर किसके जगह पर लेना चाहिए वो भी मैं बता दूंगा, दिखा दूंगा, टीम दे दूंगा। मेरा जो चैनल है टेलीग्राम चैनल, उसको उधर तो आप लोग जरूर अलर्ट रहिएगा। और उसके बाद देखिए और क्या कॉम्बिनेशन होने वाला है। देखिए इधर से आप लोग क्या करोगे, देखिए इधर से आप लोग उस्मान जय को थोड़ा सा हटा के आप लोग क्या करोगे, इधर से और कोई ऑप्शन नहीं है, JS जाकिल को आप लोग जरूर पिक करके चलेगा उस्मान जय को छोड़कर। ठीक है दोस्तों, और एक टीम में क्या करोगे, इधर से देखिए JS जाकिल को छोड़कर नोमान को आप लोग लेके चल सकते हो। तो ऐसे करके घुमा फिरा कर आप लोग एक दो टीम, एक दो प्लेयर चेंज करके आप लोग कर सकते हो। अभी मैं JS जाकिल को लेके चल रहा हूँ एक टीम में, दिखा देता हूँ। उसके बाद और कोई इतना ऑप्शन नहीं है, ठीक है, ये कोई और कोई दरकार नहीं है। इसके बाद देखिए ये एक थोड़ा सा मेरे को चेंज, मैं बैटिंग सेक्शन में एक थोड़ा सा चेंज कर लिया हूँ। उसके बाद देखिए अब लोग कैप्टन वाइस कैप्टन सेम रखकर अब लोग ए टीम एक क्रिएट कर सकते हो। उसके बाद कैप्टन वाइस कैप्टन एक रखकर JS जाकिल के जगह कमाबाई को आप लोग लेके चल सकते हो, ये भी एक कर सकते हो। तो ये दो प्लेयर बैटिंग सेक्शन में आप लोगों को चेंज करना है और कोई ऑप्शन नहीं। अगर नया कोई प्लेयर खेल रहा है उसका अगर अच्छा कोई रिकॉर्ड होने वाला है होता है तो उसके बाद मैं देख लूँगा, उसको हम लोग एंट्री दे सकते हैं टीम में, मेरे टीम में। ठीक है दोस्तों,
उसके बाद और कोई ऑप्शन तो नहीं है। ऑलराउंडर सेक्शन में देख लेते हैं कौन है। ऑलराउंड सेक्शन में आप लोग एक टीम में ऑप्शन तो और कोई नहीं है, तो आप लोग अगर उमर खेल को नहीं ले रहे हो तो एक टीम में आप लोग क्या कर सकते हो, अगर ये जो एस मलिक खेल अगर खेलेगा तो आप लोग इसको अगर जरूर पिक कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। लेकिन अभी मैं इसको ही फिलहाल लेके चल रहा हूँ, तो ऐसे कॉम्बिनेशन बता दिया हूँ, तो आप लोग ये दो तीन प्लेयर को आप लोग रोटेट करते करते आप लोग जरूर टीम बना लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। और खुद खुद का भी थोड़ा सा दिमाग लगाओ। और इसके बाद देखिए ए मालिक को छोड़कर एक टीम में आप लोग एम रहमत जाय को भी पिक कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। देखिए दोनों मैच में ज़्यादा शानदार प्लेयर पॉइंट दिया था, लेकिन अभी फिलहाल में उतना अच्छा पॉइंट नहीं दे रहा है, तो आप लोग थोड़ा सा रिस्क लेकर आप लोग एक टीम में इसको भी पिक कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो उसके बाद देखिए अभी मैं किसको लेता हूँ, हाँ एम अली को लिया था। इधर से देखिए कैप्टन वाइस कैप्टन का चॉइस जो मैं बता दे हूँ, ए डब्ल्यू आर फयाज है, ए खलीक है, ए रसीद है, और उसके बाद एज खसकर है, और कोई उतना ऑप्शन हाँ एस रहमान है। तो ये जो पांच प्लेयर का नाम मैं बताया हूँ, ये पांच प्लेयर को आप लोग जरूर ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग अगर जीएल टीम क्रिएट करके जीएल खेल रहे हो तो आप लोग इसको घुमा फिरा के कैप्टन वाइस कैप्टन जरूर रोटेट कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। कैसे करिए कीजिएगा, देखिए एक टीम में आर फयाज को कैप्टन और इसके साथ बी सी, और इसको कैप्टन इसको साथ बी सी, और क्या करोगे आर फयाज के साथ खलीक को कैप्टन, इसको कैप्टन इसको बी सी, और इसको कैप्टन इसको बी सी, तो चार टीम हो गया, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आप लोग क्या करोगे, एफ खलीक को कैप्टन, खसकर को बी सी, खसकर को कैप्टन और खलीक को बी सी, छः टीम हो गया। उसके बाद खसकर को कैप्टन, फयाज को बी सी, और फयाज को तो मैं बोल दिया हूँ हाँ इसके साथ तो हो गया है, और इसके साथ क्या करोगे आर फयाज के साथ रसीद को, एफ खलीक के साथ मतलब इसको कैप्टन, सॉरी दिखा देता हूँ, इसको आप लोग कैप्टन रखिए, इसको कैप्टन रखिए, इसको कैप्टन रखिए, इसके साथ साथ रसीद को भी सी, इसके साथ रसीद को भी सी, इसके साथ रसीद को भी सी, तो ऐसे करके आप लोग जरूर टीम बना लीजिएगा। और ये तीनों टीम को रख के एक टीम में क्या करोगे, एज रहमान को भी सी, इसको कैप्टन रखते हुए इसको भी सी, इसको कैप्टन रखते हुए इसको भी सी, तो ऐसे करके आप लोग 10 से 12 टीम आप लोग क्रिएट कर लोगे और जीएल आप लोग खेलोगे तो बहुत शानदार रैंक आने वाला है, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है, और जो मैं इन्फॉर्मेशन दिया हूँ और जो मैं प्रीव्यू दे रहा हूँ आप लोगों को काम पर आने वाला है, और हेल्प मिल रहा है। अगर हेल्प मिल रहा है तो प्लीज़ कमेंट पर बता दीजिएगा कितना आप लोगों को हेल्प मिल रहा है, और आप लोगों को क्या क्या चाहिए और क्या क्या नहीं चाहिए वो भी हम लोगों को कमेंट पर बता दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं इस मैच के अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय।